हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षांकुरम, जहां पे नॉलेज और स्किल दोनों जर्मिनेट करते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपको बहुत ही खुश कर देगा। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, CET आया था, और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि CET जो आया था वो अब कब से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, और इसमें एक चीज़ और जानेंगे कि CET से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन बहुत ही मेन डिसएडवांटेज है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, CET एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड, बहुत ही खुशखबरी, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। और अब जो ये एग्ज़ाम होगा, ये कब से होगा, तो अगले साल 2021 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है NRA एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट CET फ्रॉम सितंबर 2021। ठीक है, मतलब NRA क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले साल 2021 सितंबर से हमारा CET जो होगा वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने लेके आए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने तो जान लिया कि क्या है, अगले साल से CET हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 2021 से। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक प्रॉब्लम भी है। जितना आपको खुशी हो रहा है इस चीज़ को जान के, थोड़ा सा इसमें आपको परेशानी लगेगा कि या इसका जो सिलेबस है, ठीक है, CET में एडवांटेजेस तो बहुत है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस मुझे एक लगा किस पे, सिलेबस पे। मेरे पुराने वाले वीडियोस पे जा सकते हैं, CET के बारे में मैंने सारा चीज़ वहाँ बताया है, हर चीज़ जो नया चीज़ चेंजेस हुआ है वो सारा चीज़ मैंने वहाँ बताया है। ठीक है, तो आप वहाँ जाइए और मेरे वीडियो को देखिए और समझिए क्या क्या एडवांटेज है। उसमें से एक एडवांटेज सिलेबस का था, जो कि अनाउंस नहीं किया गया था और शायद अभी भी अनाउंस नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज उसी सिलेबस पे हो सकता है। तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, चलिए थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले क्या था, SSC, RRB, IBPS, ठीक है, ये अलग अलग कंडक्ट होते थे। अब क्या होगा, CET का जो प्रीलिम्स होता है वो एक साथ कंडक्ट हो जाएगा। तो अब जब एक साथ कंडक्ट होगा, तो भाई पहले का जो अलग अलग होता था, तो पहले का सिलेबस भी अलग अलग होगा। लेकिन अब जब CET प्रीलिम्स को एक साथ लेगी, तो क्या सिलेबस मिक्सअप हो जाएगा, क्या होगा, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो कैसे आएगा ये देखिए, पहले SSC का जो सिलेबस होता था, क्वेश्चंस आते थे, इन सब चीज़ पे आते थे, GI रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता इसको बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग बुद्धि लगा के करते हैं, तो वो हो गया GI रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथ्स का होता था पोर्शन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और GA जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो सामान्य ज्ञान, GK, ठीक है, वो आता था SSC में। तो SSC का ये पैटर्न था एग्ज़ाम लेने का। RRB का जो पैटर्न था वो था GI रीजनिंग, सेम इसके तरह, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम इसके तरह, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश नहीं आता था RRB में। तो RRB के जो कैंडिडेट्स होते थे उनको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं पड़ता था, तो उनके लिए क्या हो जाता था, ईजी हो जाता था। इससे क्या होता था, हमारे जो गाँव के बच्चे थे जो इंग्लिश में थोड़ा सा पीछे रह जाते थे हमारे शहर वाले बच्चों से, उनको क्या होता था, इन RRB में बेनिफिट मिल जाता था, जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ था। भाई सबको आगे बढ़ना चाहिए, जो गरीब से गरीब बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो इस RRB में क्या होता था, उनको ये मौका मिल जाता था, और GA GS था इसमें, ठीक है, तो इंग्लिश क्या था, RRB में नहीं था प्रीलिम्स में। अब आते हैं IBPS पे। तो कहा जाता है भाई कि IBPS का जितना भी ये सिलेबस होता है वो इन दोनों एग्ज़ाम से थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा एक लेवल अप होता है, जैसे रीजनिंग ही है, ठीक है, तो रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल जो है वो इन दोनों एग्ज़ाम से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो भी थोड़ा ट्रिकी होता है, भले ही इसका सिलेबस SSC से कम होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि SSC का जो मैथ होता है वो एडवांस लेवल का होता है, मीन्स उसमें ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारा चीज़ आता है। लेकिन बैंकिंग वाले मैथ्स में क्या होता है, ये सब चीज़ कुछ पार्ट मिसिंग रहते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वो टफ हो जाता है SSC के मुकाबले। उसमें ट्रिक लगाना है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा मैथ्स का फंडा ये जानिए, उसमें ट्रिक से यूज़ करना है, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मैथ्स में, ठीक है। IBPS का जो इंग्लिश होता था वो भी थोड़ा सा लेवल का होता था, ठीक है,
जो कि SSC का इंग्लिश से थोड़ा सा ज़्यादा है। SSC का भी इंग्लिश अच्छा खासा है लेकिन थोड़ा सा लेवल कम है, ठीक है। तो तीनों में क्या होता था सिलेबस का, देखिए कितना वास्ट चेंजेस है। RRB में इंग्लिश है ही नहीं, IBPS का जो लास्ट है जो GA GK GS जो है वो होता ही नहीं था प्रीलिम्स में, ठीक है। वो क्या था, GA जो होता है IBPS में वो मेंस के पोर्शन में होता था। तो अभी तो CET ने कहा है कि सिर्फ प्रीलिम्स को कनेक्ट कराएगी, मेंस तो इंडिविजुअल कनेक्ट कराएगी अपना, तो वो अलग चीज़ है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें कितना सारा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। अब क्या होगा जब CET प्रीलिम्स को लेगा एक बार में, तो क्या होगा एज अ होल ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक साथ SSC RRB IBPS ये सारा क्या हो जाएगा, एक साथ होगा। और ये सारा का सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो क्या इंग्लिश इधर भी देना पड़ेगा, ठीक है, क्या GA GA GK GS इधर प्रीलिम्स में भी देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो मिक्सअप होगा। RRB वाले के लिए थोड़ा सा नुकसान है, ठीक है, SSC वाले के लिए ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इनको सारा चीज़ पढ़ना पड़ता था। शायद लेवल अप हो जाए, मॉडरेट रहे, इजी रहे, इनको पढ़ना वही चीज़ है, ठीक है। SSC वालों के लिए सॉरी IBPS वालों के लिए क्या हो जाएगा, GA GS जो मेंस के लिए वो तैयारी करते थे शायद वो प्रीलिम्स में भी तैयारी करना पड़ जाए, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन फ्रेंड्स घबराना नहीं है इस चीज़ से, ठीक है, घबराना नहीं है इस चीज़ से। जो भी चेंजेस आएगा वो सारा क्या होगा, हम लोग टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी तो जनरल कंपटीशन का ही कर रहे हैं ना। लेकिन ये डिसएडवांटेजेस है एक CET का कि प्रॉब्लम क्या होगा, ये भैया जो RRB बीच में है, ये बीच में है और ये बीच में ही फंस के रह गया है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही, मतलब कि जो बच्चे गाँव में पढ़े हैं उनको तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होता ही था ना बचपन से, तो थोड़ा सा उनके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको ये सब चीज़ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो मेनली RRB पे फोकस करते थे। लेकिन इसे घबराना नहीं है, जो भी चेंज आएगा उसका आप अच्छे से तैयारी कीजिए, टैकल कीजिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ, जो भी रीजनिंग का टॉपिक होगा ना हम अपने इस चैनल पे कवर अप करेंगे, ठीक है। मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था कि रीजनिंग का टॉपिक कवर करेंगे, मैं आज भी बता रहा हूँ कि रीजनिंग के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे जैसे ही CET का सिलेबस आ जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स तो होप्स आपको आज नॉलेज मिल गया होगा और एक अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा। अगले साल 2021 सितंबर से हमारा CET स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।